अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें हर तरफ से ही कोई ना कोई सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप डेली बेसिस पर सोशल मीडिया पर नई नई वीडियोस देखते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे रेयर मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 12, दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं कि आग और पानी दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक साथ नहीं हो सकती। आग चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, पानी इसे बुझा ही देता है। लेकिन क्या हो अगर खुद पानी को ही आग लग जाए? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये रियल है। ये जो अनयूजुअल लेक आप देख रहे हैं, ये लेक कीवू है जो कि कॉन्गो और रवांडा की बॉर्डर के दरमियान मौजूद है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन प्लेसेस में शुमार किया जाता है। इसकी वजह ये है कि इस लेक के इर्द गिर्द बहुत सारे वॉल्केनोस हैं, जिसकी वजह से इसकी तह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाती है और इसकी वजह से लेक में आग लग जाती है। पानी में लगी आग देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये सीन वाकई में देखने लायक है। नंबर 11, दोस्तों हम में से हर किसी को बारिश का मौसम पसंद होता है। आजकल तो वैसे ही गर्मी का मौसम है और हर कोई चाहता है कि बारिश हो जाए। आप सबने अक्सर देखा होगा कि एक इलाके में बारिश हो रही होती है, लेकिन वहां से थोड़ी दूर इवन बादल भी नहीं होते। ये चीज तो बिल्कुल कॉमन है, पर क्या आपने कभी चंद फीट के दायरे में बारिश होते देखी है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये रेयर मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया। फर्स्ट क्लास में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई पानी नीचे फेंक रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। असल में ये वन स्पॉट रेन होती है और ये एक बहुत ही रेयर नेचुरल फिनोमेना है। इस सिचुएशन को फ्लैट कॉम सी कहा जाता है और ये बारिश तब होती है जब वाटर जेट्स इकट्ठे नीचे नहीं आते। नॉर्मली जब बारिश होती है तो वाटर जेट्स एक साथ मिलकर जमीन की तरफ आते हैं। एनीवे, जो भी हो, ये वाकई में कैमरे पर रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे रेयर मोमेंट्स में से एक था। नंबर 10, दोस्तों आप सबने अक्सर लोगों को कई तरह के स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा। कई स्टंट्स इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप इसे बाकायदा सीख कर भी परफॉर्म करें तब भी इनमें जान जाने का खतरा होता है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग फेम हासिल करने के चक्कर में अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक आदमी पहाड़ की चोटी पर बंधी हुई इस रस्सी पर मोटरसाइकिल चला रहा है। इसके नीचे कई हजार फुट गहरी खाई है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने मोटरसाइकिल के नीचे अपने दोस्त को भी हैंग किया हुआ। अगर ये यहां से गिर जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही खौफ आने लगता है। मजे की बात ये है कि इसकी ये बेवकूफ हरकत देखने के लिए पूरा टाउन वहां जमा हो गया। एनीवे, जो भी हो, इसने ये स्टंट परफॉर्म करके सबके होश उड़ा दिए। नंबर 9, दोस्तों आप सब सी सर्फिंग के बारे में तो जानते होंगे और बहुत से लोगों ने समुद्र में सर्फिंग की भी होगी। आमतौर पर समुद्र में सर्फिंग करने से पहले लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खेल काफी खतरनाक होता है और कपड़े भी हल्के फुल्के पहने जाते हैं ताकि बंदा कंफर्टेबल रहे। लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह का फॉर्मल सूट पहनकर सर्फिंग करने वाला बेवकूफ शख्स शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी वेडिंग सेरेमनी से सीधा यहां सर्फिंग करने के लिए आ गया हो। इसके अलावा ये भाई साहब तो सर्फिंग बोर्ड पर ही खाना खाना स्टार्ट हो गए। शायद ये अपने खाने को सी में एंजॉय करके खाना चाहते थे। एनीवे, हो सकता है ये खाना हजम होने में प्रॉब्लम करे, क्योंकि इसे इंसानों की तरह नहीं खाया गया। नंबर 8, दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि रात के वक्त सितारे आसमान को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ज्यादातर रात को आसमान पर चांद और सितारे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको इन चांद और सितारों के अलावा अनएक्सपेक्टेड चीजें नजर आ जाएं? ये अजीबोगरीब मंजर कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था। इस जगह पर आसमान में कुछ वियर्ड चीजें फ्लाई करते हुए नजर आ रही थी और कुछ ही देर में ये जमीन के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई एलियन स्पेसशिप्स हो जो कि हमारी जमीन पर हमला करने आए हों, लेकिन असल में ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स थी जिनको इंटरनेट की रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल, जो भी हो, ये सीन सच में देखने लायक था। नंबर 7, दोस्तों कहते हैं कि जब किसी पहाड़ से लावा फूटता है तो इंसानों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इवन इसकी वजह से जलजले भी आते हैं। लेकिन ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये लावा देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने लावा के नजदीक जाने का फैसला किया। फर्स्ट ग्लास में ऐसा लगता था जैसे ये कोई फेक पिक्चर या फिर कंप्यूटर ग्राफिक का कमाल है, लेकिन ये सीन बिल्कुल रियल है। इन लोगों का कहना था कि इस जगह से निकलने वाले लावा की हाइट तकरीबन 200
किलोमीटर थी और जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि इन्हें लग रहा था कि इनकी शूज मेल्ट हो जाएंगे। वेल, ऐसी जगह पर जाना मौत को दावा देने के बराबर है, लेकिन बहरहाल कुदरत का ये खौफनाक मंजर वाकई ही में प्राइसलेस था। नंबर 6, दोस्तों कई फिलोसफर्स का मानना है कि इंसान बंदरों की एक शक्ल है, इसीलिए इंसानों से बहुत मानूस होते हैं। ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें ज्यादातर सर्कस में करतब वगैरह करने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन इस तरह का आलसी बंदर आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो। ये किसी शख्स की गाड़ी के बोनट पर आराम कर रहा था कि इतने में इस गाड़ी का मालक आ गया। इसने ये सोचकर गाड़ी स्टार्ट कर दी कि ये बंदर खुद ही उतर जाएगा, मगर इस बंदर ने तो ना हिलने की कसम खाई हुई थी। असल में ये बहुत ज्यादा आलसी था। इस शख्स ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, फिर भी ये टस से मस ना हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ा आगे जाकर एक और बंदर नजर आया जो कि घास के ऊपर ही एक्सरसाइज कर रहा था। शायद वो अपना वेट लॉस करना चाहता था। बहरहाल जो भी हो, ये सीन सच में बहुत फनी था। नंबर 5, दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को हॉकी खेलने का शौक होगा। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की नेशनल गेम भी है। लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेयर को पानी के अंदर हॉकी खेलते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये शख्स हॉकी खेलते खेलते पानी में गिर जाता है, फिर इसने पानी के अंदर ही जाकर हॉकी खेलना शुरू कर दी। हॉकी से पानी के नीचे की बजाय ऊपर की तरफ प्ले कर रहा था। फर्स्ट क्लास में तो ये फुटेज उल्टी लगती है, लेकिन असल में पानी की सतह पर बर्फ जमी हुई थी, इसीलिए इसने उल्टी साइड पर हॉकी खेलना शुरू कर दी। असल में ये शख्स एक प्रोफेशनल डाइवर है और ये पानी में बहुत से स्टंट्स परफॉर्म करता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, दोस्तों आपने अक्सर बिल्डिंग साइट्स के नजदीक एक्सकेवेटर मशीन्स देखी होंगी। जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, वहां पर ये जरूर होती हैं, क्योंकि इनकी मदद से हैवी लोड्स को इजीली उठाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को एक टाइनी सी चीज एक्सकेवेटर से उठाते हुए देखा है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये ऑपरेटर एक्सकेवेटर बकेट से कांच के गिलास जोड़ रहा है। इतनी बड़ी मशीन से एक तरतीब से गिलास को तोड़े बगैर जोड़ना वाकई में महारत का काम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे नट्स को भी इस एक्सकेवेटर की बकेट से जोड़ लेता है। इन ऑपरेटर्स का ये टैलेंट वाकई में तारीफ के लायक है। नंबर 3, दोस्तों गुलहरी एक बहुत ही क्यूट एनिमल है, लेकिन फिर भी ये कोई पेट नहीं है जिसे घर पर रखा जा सके, क्योंकि ये दरख्तों में होल्स बनाकर रहती हैं और इनको घरों में रखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर बिलीव करना मुश्किल है कि ये रियल है। एक लेडी ने घर पर 2 गुलहरियां पाल रखी हैं और वो इनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई हैं। इवन के इस लेडी ने इन्हें बहुत से स्टंट्स परफॉर्म करना भी सिखाए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये गुलहरियां दीवार पर लगी लड़ियों को पकड़कर क्लाइम कर रही हैं, और जैसे ही इनकी ऑनर इन्हें कमांड देती हैं, ये फौरन से जम करके इसके हाथ पर आ जाती हैं। ये गुलहरियां सच में बहुत इंटेलिजेंट हैं। नंबर 2, दोस्तों जब किसी पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा गैसेस जमा हो जाती हैं, तो ये अंदर से फटना शुरू हो जाता है और फिर ये फटी हुई चट्टाने लावा की सूरत में बाहर आ जाती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे नॉर्थ अमेरिका के इलाके ग्वाटमाला में रिकॉर्ड किया गया था। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, वो वीडियो शूट कर रहे थे कि अचानक एक पहाड़ में से बहुत ज्यादा धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। असल में ये एक लावा था जो कि पहाड़ के अंदर से निकल रहा था। इस इंसिडेंट ने इन सब के होश उड़ा दिए और ये रेयर मोमेंट कैमरे पर भी कैप्चर हो गया। ये सीन रियली टेरिफाइंग था। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि परिंदों को अपना घोंसला बनाने के लिए सबसे ज्यादा तनों की जरूरत होती है। वो हर जगह से दरख्तों की सूखी हुई टहनियां और तने इकट्ठे करते हैं ताकि अपना घर तैयार कर सकें। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ परिंदे इन तनों को खुद भी बना सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक पैरट की है। इस पैरट को एक शख्स ने दरख्त का पता दिया और इसने अपनी चोंच से इसे दोनों साइड से काटा और दरमियान से लंबा सा तना बाहर निकाल लिया। मजे की बात यह है कि इसने तना निकाल कर अपनी बैक पॉकेट में रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये इसे सेव करना चाहता हो ताकि अपना घर बना सके। ये तोता सच में बहुत स्मार्ट था।